नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। पेश है 21 मई और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप हेडलाइन 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर व्हाट्सएप अपडेट को लेकर आ रही है। दरअसल व्हाट्सएप ऐप पर आप एक मिनट की वीडियो लगा सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर सबसे बड़ी खबर, व्हाट्सएप में स्टोरी अब 30 सेकंड की बजाय अब एक मिनट की लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा सकते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा। इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, पंजाब के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को अवकाश घोषित। पंजाब में पड़ रही तेज गर्मी और हीटवेव के रेड अलर्ट को देखते हुए पंजाब की सरकार ने राज्य के यहाँ सारे सरकारी और निजी स्कूलों में 21 मई से लेकर 30 जून तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की है। वहीं देश की एक और अगली बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है पांचवे फेज की वोटिंग को लेकर। 8 राज्यों की पांचवे फेज की वोटिंग में 49 सीटों पर 57.25% हुई वोटिंग। बता दें कि देश में सबसे कम वोटिंग हुई है पांचवे फेज के अंदर। 6 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान खत्म हो गया, जहाँ कुल 57.25% वोटिंग हुई है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के किसानों की जमीनों की नीलामी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। किसानों की जमीनों की कुर्की पर सियासत गरमाए, बीजेपी ने किसान कुर्सी से पायलट तो गहलोत पर घेरा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सहकारी विकास बैंक लिमिटेड की ओर से किसानों की जमीन कुर्क करने के नोटिस को लेकर सीएम पुरुषोत्तम गहलोत ने सूबे के सीएम बृजलाल शर्मा को घेरा है। कांग्रेस के सियासी हमले के बाद बृजलाल सरकार ने किसानों की जमीनी कुर्की को लेकर रोक लगा दी, लेकिन अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए हमले के जवाब में सोमवार को बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने जमकर पलटवार किया है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर पलटवार किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सभी छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, अंतिम तारीख, कर सकते हैं छात्र आवेदन। राजस्थान में सभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संचालित राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय और स्तरीय छात्रावासों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और हॉस्टलों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 2024 और 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई रखी गई है। बता दें कि राजस्थान के सभी राजकीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन छात्र कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एसीबी का बड़ा एक्शन, शिक्षा विभाग का बाबू और एक शख्स घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम बृजलाल शर्मा, राजस्थान में बीजेपी सरकार आने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम एक्टिव मोड पर है और इसी कड़ी में एसीबी की टीम ने बता दें कि बड़ा एक्शन लिया है। शिक्षा विभाग के एक बाबू और एक शख्स को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बाहरी बोर्ड के परिणाम को लेकर आ रही है। राजस्थान में एक ही स्कूल के 3 स्टूडेंट्स के 99.20% अंक, 12वीं 8th में दीक्षा ने 99% नंबर हासिल किए। बता दें कि जयपुर के टॉपर्स की लिस्ट हुई जारी। वहीं राजस्थान के टॉपर्स की बात करें तो प्राची सोनी ने रस दिया इतिहास, मार्कशीट देखकर उड़ गए होश। बता दें कि आरबीएससी के परिणाम में 12वीं बोर्ड परीक्षा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 20 मई 12वीं का परिणाम घोषित किया। रिजल्ट घोषित होने के साथ ही यहाँ पर अलवर में खुशी की लहर दौड़ गई। प्राची सोनी ने मार्कशीट डाउनलोड की तो नंबर देखकर कोई हैरान था। प्राची की मार्कशीट के अंदर 500 में से 500 नंबर मिले, यानी एक भी नंबर नहीं कटा। अलवर खैरतल के बीवी रानी के पास एक रोटिया गांव की छात्रा प्राची की चर्चा पूरे प्रदेश भर में जोरों पर है। माना जा रहा है कि एकमात्र 100% अंक पाने वाली प्राची ने राजस्थान बोर्ड टॉप किया है। प्राची ने टॉप करने के साथ ही बताया कि वो आईएएस बनना चाहती है। प्राची ने कहा है कि वो आईएएस बनना चाहती है। उनके पिता नरेंद्र कुमार सोनी बैंक में नौकरी करते हैं, जबकि उनकी माता जी बेबी गृहिणी है। प्राची एक्सिस अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है। प्राची ने बताया कि वो प्रतिदिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी और शुरुआत से ही लगातार पढ़ाई करती रही। उसने पढ़ाई के अलावा किसी अन्य चीज को प्राथमिकता नहीं दी और हमेशा पढ़ाई पर फोकस रखा। प्राची ने अन्य छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि जो लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को अपने शिक्षकों की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल से दूरी बनाए रखनी चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राशन की दुकान पर मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, बड़ी खबर। जयपुर समेत 5 जिलों में होगी शुरुआत, 2 और 5 किलोग्राम के सिलेंडर भी मिलेंगे।
राजस्थान में अब राशन की दुकानों पर सिलेंडर बिकेंगे। 2 और 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर बेचने की कवायद शुरू हो गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईसीएल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें सिलेंडर दुकानों पर बेचने की पेशकश की गई है। इसे देखते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी जिला राशन अधिकारियों को पत्र लिखकर उनके यहाँ संचालित दुकानों के संचालकों से प्रस्ताव मांगे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त आशीष कुमार ने जानकारी दी और बताया कि राशन डीलरों को इन सिलेंडर की बिक्री पर कमीशन मिलेगा। यानी 5 किलो एलपीजी सिलेंडर के लिए 31 रुपए, 18% जीएसटी कुल 37.58 रुपए मिलेंगे, जबकि 2 किलो सिलेंडर के लिए 15 रुपए और 18% जीएसटी कुल 17 रुपए कमीशन दिया जाएगा। जयपुर समेत 4 जिलों से इस संबंध में प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर सीकर से करेंगे। एक राशन डीलर अधिकतम 100 किलो एलपीसी का स्टॉक रख सकेगा। या तो 5 किलोग्राम के 20 सिलेंडर या 2 किलोग्राम के 50 सिलेंडर का भंडारण कर सकेगा। बता दें कि सामान्य सिलेंडर की तुलना में रिफिलिंग महंगी होगी। सामान्य की तुलना में ये रिफिलिंग यहाँ पर महंगी की जाएगी। प्रवासी श्रमिकों और स्टूडेंट्स को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। इस योजना से छोटे बड़े शहरों में काम की तलाश में दूसरे शहरों और राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों और पढ़ने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा मिलेगा। ये सिलेंडर इन्हें कोई भी सरकारी आईडी कार्ड दिखाकर मिल सकेगा। इसके लिए इन्हें कलेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग रसोई गैस कनेक्शन नहीं होने से सिलेंडर के लिए परेशान होते हैं। बाजार में अभी गैर कानूनी तरीके से कई जगहों पर 5-5 किलोग्राम के सिलेंडर बेचने का काम चल रहा है। छोटे सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए कोई भी व्यक्ति राशन की दुकान पर जाकर अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखाकर सरकारी पहचान पत्र देकर उसकी कनेक्शन ले सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में घरेलू ट्यूबवेल खुदाई पर लग सकती है रोक। राजस्थान में घरेलू ट्यूबवेल को लेकर बड़ी खबर आनी है। पानी के लिए कठोर नियम बनाए जाएंगे। जयपुर समेत 4 जिलों के लिए 2025 तक नए नियम जारी होंगे। राजस्थान में ग्राउंड वाटर की स्थिति हर दिन खराब होती नजर आ रही है। इसकी वजह से आने वाले वक्त में प्रदेश में जल संकट की स्थिति हो सकती है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की ओर से राजस्थान के भूजल विभाग की हालिया डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जयपुर समेत राजस्थान के 4 बड़े जिलों में 2025 तक ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद भूजल विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। भूजल विभाग के चीफ इंजीनियर इसने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जल संकट को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एक्ट लाने की तैयारी में कर रही है। इस एक्ट में न सिर्फ कठोर निर्णय लाए जाएंगे बल्कि राजस्थान में निजी इंडस्ट्रीज और घरेलू ट्यूबवेल खुदाई पर बैन लगाने की तैयारी भी की जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर, आम खबर आ रही है। राजस्थान में से 8 जून के बाद बदलेगा ब्यूरोक्रेसी का चेहरा। नई तवाला नीति लागू होने से लेकर आईएएस, आईपीएस और आरएएस कैडर में होगा बड़ा बदलाव। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में जून का महीना बड़े फैसलों वाला साबित होने वाला है। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि सरकार 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद नई तबादला नीति लागू करने वाली है। पॉलिसी बनने और लागू होने का सरकारी तंत्र में लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा है। इस बार यह अंतिम चरण में है। जून में संभवत लागू हो जाएगी। नई तबादला नीति के अलावा आईएएस, आईपीएस और आरएएस कैडर में बड़ी तबादला सूचियां जारी होंगी। करीब 15 जिलों के संभाग मुख्यालयों के कलेक्टर और संभागीय आयुक्त भी बदले जाएंगे। इसके अलावा जून से लेकर अक्टूबर के बीच प्रदेश में सेवा देने वाले करीब 13 आईएएस अफसरों के रिटायरमेंट का दौर भी शुरू होगा। राजस्थान में नई तबादला नीति भी लागू की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि ब्यूरोक्रेसी का पूरा शेरा सेंस कर दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 10 दवाइयों के सैंपल हुए फेल। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को लेकर बड़ी अपडेट। इस योजना के तहत सप्लाई होने वाली 10 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने 8 कंपनियों की 10 दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इन दवाइयों में फंगल इन्फेक्शन काम आने वाली गोलियां, मलेरिया के गंभीर मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन, आई ड्रॉप और सांस में तकलीफ होने पर काम आने वाली दवाई शामिल है। बता दें कि राजस्थान में फ्री दवाइयों की 10 दवाइयों पर रोक लग चुकी है। हो सकता है कि अब आम आदमी को फ्री 10 दवाइयां नहीं मिल सकेगी और इसके पीछे बड़ी वजह है कि ये सैंपल फेल हो गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, आम खबर है। राजस्थान के हज यात्रियों का इंतजार हुआ खत्म। 21 मई से 11 जुलाई तक रहेगा 18 फ्लाइट्स का संचालन। 4,000 यात्री भरेंगे उड़ान। राजस्थान के हज यात्रियों को लेकर बड़ी खुशखबरी है। इनका लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है। जयपुर के एयरपोर्ट से आज से 27 मई तक मदीना के लिए प्रदेश के करीबन 4,000 हज यात्री मदीना के लिए उड़ान भरेंगे। इस बार महीने में सीधे मदीना के लिए 9 फ्लाइट्स का डिपार्चर प्रस्तावित है।
चलिए अभी बड़ी खबर, किर्गिस्तान में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की मदद करेगी बजलाल सरकार। सीएम बजलाल बोले खुद को अकेला न समझे। किर्गिस्तान में बाहरी छात्रों की सैनी लोगों से हुई झड़प के बाद वहां हालात तनावपूर्ण है। किर्गिस्तान में बड़ी संख्या में राजस्थान के छात्र वहां के मेडिकल कॉलेजों से MBBS कर रहे हैं। छात्र तनाव के बाद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इधर सूबे के सीएम बजलाल ने अब किर्गिस्तान में पढ़ रहे राजस्थानी छात्रों को पूरी तरह से मदद का भरोसा दिलाया है। सीएम ने कहा है कि किर्गिस्तान में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार तटवत है। राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में साध रही है। राजस्थान सरकार किर्गिस्तान में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं के साथ है। वे खुद को अकेला न समझे। राजस्थानी विद्यार्थी को किर्गिस्तान में सुरक्षित रहे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम के निर्देशों के बाद विदेश मंत्रालय भी एक्टिव मोड पर आ गया है। चलिए अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी में भी राजस्थान में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप। बीकानेर में इस सीजन में 200 केस मिले तो ACS ने हेल्थ डिपार्टमेंट को टीम भेजने के लिए कहा। राजस्थान में भले ही तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया हो, लेकिन अब भी डेंगू और मलेरिया का कहर बरकरार है। राजस्थान में इन दिनों डेंगू और मलेरिया के केस सामने से ज्यादा आ रहे हैं। इसे देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट की ACS सुब्रा सिंह ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बीकानेर एरिया में टीम भेजने और वहां के डेंगू मलेरिया से बचने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अब तक कुल आपको बता दें कि इस सीजन में 893 से ज्यादा डेंगू के केस मिल चुके हैं और 188 से ज्यादा केस मलेरिया के आ चुके हैं। ऐसा तब है जब प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज 23 जिलों में तेज गर्मी का अलर्ट। 35 डिग्री को पार कर सकता है रात का पारा। 18 शहरों में दिन का तापमान 45 से ज्यादा। राजस्थान में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार है। इस संबंध में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि हनुमानगढ़, गंगानगर और जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तेज गर्मी पड़ेगी। वहीं ऑरेंज अलर्ट के लिए जयपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, पाली और बूंदी, कोटा में येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बारा और झालावाड़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 19,000 किलो मसाले भी जब्त। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने एक मसाला कारखाने से पहुंचकर वहां रखे 19,000 किलोग्राम से अधिक मसाले को मिलावटी होने के आधार पर जब्त कर लिया है। सलेलवेड़ी खबर, राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा, फ्री में देख सकेंगे विधानसभा भवन का म्यूजियम। राजस्थान की जनता को मिला बड़ा तोहफा, अब फ्री में राजस्थान विधानसभा भवन का म्यूजियम देख सकेंगे। जी हां, अब राजस्थान विधानसभा भवन में म्यूजियम ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव का आम लोग भी दौरा कर सकेंगे। बजलाल सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि शनिवार को छोड़ सभी दिन में यह भवन खुला रहेगा, जहां आधार कार्ड दिखाकर विधानसभा परिसर में निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, RBSE बोर्ड परीक्षा को लेकर आ रही है। 12वीं बोर्ड में बेटियों ने मारी बाजी। कोटा सहित 13 जिलों का परिणाम 100%, पिछले साल से बेहतर रहा परिणाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का परिणाम सोमवार दोपहर करीब 12:15 बजे जारी हुआ। साइंस में 97.73, कॉमर्स में 98.95 और आर्ट्स में 97.88% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तीन संकाय में लड़कियों का रिजल्ट लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा है। बता दें कि राजस्थान के 13 जिलों का रिजल्ट 100% रहा है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने इसकी जानकारी दी है।